जो चैन में खोल रही थी तो ये टूट गया, पता है, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और इसका चैन इधर पे मैंने रखा हुआ है, बहुत बकवास बैग लाई थी और ऐसा ही होता है हमेशा। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे इस लोग का बेकरी शुरू हो चुका है, देखो। और वैसे लोकेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है गाइस। हवा दे रहा है अभी यार, मेरा हर प्रोजेक्ट में क्या होता है पता है आप लोगों को, मैं बोलती हूँ पहला दिन तो बहुत ज्यादा हवा देता है, शूटिंग में गर्मी भी होता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल वाला वेदर होता है, लेकिन सेकेंड डे में जो खतरनाक धूप देता है ना, ये जो मतलब कड़ा धूप देता है यार, ये दे दो नजर माथे में धक देती हूँ, खराब हो गया देखो इतना उड़ रहे हैं। कैमरा मैन फन तो हाँ देना है, जल्दी जल्दी पकवान का मांगो। गाइस और ये जो मेरा बैकग्राउंड डांसर लोगों का ना कॉस्ट्यूम सबका चारों का भी सेम है, सुंदर है, देखोगे आप लोग दिखाते हैं। देखो ये वाला जो वेदर है ना पूरा परफेक्ट है, पता है शूटिंग के लिए धूप ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा बोलूंगी ना मुंह लग के फिर बारिश हो जाएगी। उस तरह बारिश हो रहा है क्या, ऐसा लग रहा है ना देख के, इसका तो ये उड़ के चला गया पूरा। और ये वाला जो गाइस ये जो पेकॉक है ना उसको हॉनकी पेकॉक बोलते हैं ना, काफी सुंदर है, और ये मतलब बहुत एक्सपेंसिव आते हैं ये सब, और उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। हाय हाय प्यारी प्यारी समझ गई, इनका भी देखो सबका सेम सेम कॉस्ट्यूम है। अभी डांस है ये दादा, ये दादा दो मां दोनों ना गए माने अबे अच्छा अच्छा लेके लांगे के पत के पत पे। अच्छा ये देखो इनका डांस प्रैक्टिस हो रहा है, चलो हिलाओगे कमाल रे ओए कमरिया वाले लग कारवी ड्रेस पहन कमरिया वीडियोग्राफर हम लोग, अभी हम लोग बस छाया दो यार, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। ये क्या मैंने बोला, मेरे को भी थोड़ा सा ठंडा चाहिए, ये मतलब खुद का अपना स्किन का ज्यादा ध्यान रखना है लेकिन हमारा गाइस कितना खूबसूरत मौसम है, और एकदम नेचुरल हवा है, और सूट में फैन का कोई जरूरत ही नहीं है, पता है इतना मस्त हवा दे रहा है, पता है। और यहाँ पे सिस्टर लोगों का सूट चल रहा है, अभी बहुत खूबसूरत डांस स्टेप अभी सिस्टर करने वाली है, थोड़ा सा झलक आप लोगों को दिखाते हैं, और फुल वीडियोस अगर देखना है तो वो आप लोगों को बाद में मिल जाएगा, बस अभी थोड़ा सा झलक आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको। हवा बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पेन का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मुझे पता नहीं कि आवाज नहीं आ रहा है इधर पे।
हवा हमारा आवाज आ रहा है, आ रहा होगा थोड़ा सा तो आ रहा होगा। तो गाइस फाइनली हमारा पैकअप हो चुका है, मतलब आपको बता देती हूँ 7-8 घंटे भी हम लोगों ने अपना काम जो है ना पूरा कंप्लीट कर दिया। अरे यार अभी खाना खाने वाले हैं, खाना खाई काफी मजेदार है, केला का लीव में हम लोग खाएंगे भात। ये ऐसा ही बनाया क्या ये? हाँ ऐसा ही बनाया। और अच्छा। ये इसका एक इसका धान का नाम है ना बरा 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 सांग वाला। तो आप तो मजा ब्रो, पानी दे दो मुझे हाथ धोने के लिए। यही तुम दे दो ना मेरा हाथ पे ऐसा करके, ठीक है? शुक्रिया शुक्रिया, ये जब मदद आपने मुझे किया। और एक बार कितना गंदा हुआ होगा। मेरा भाई भी आ चुका है, इसे सो रहा था ये मेरा भैया। अरे तेरा तो चश्मा का कलर बदल गया, कल तक तो काला पहना था लेकिन इसमें ज्यादा मैच कर रहा है। पता है इसने बोला ना तुम आजकल हैंडसम हो गया, बोले पहले से थोड़ा पतला भी हो गया बोल रहा था है ना। अब तो बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए आपको तो जरूर। तो खाओ तुम कांचा खाओ, खाना खाओ बेसी नो भल्लू। पहले रोड पे मुझे ये कपड़ों का दुकान मिला है दूर से देख के, अंकल इसमें और डिजाइन है क्या कलर कपड़ा एटू कलर एटू कपड़ा डालो क्यों की कलर से नहीं निकी एक बार उलाई दी निकी एक बार उलाई दी अपना साम। अच्छा लगा देख के इसीलिए रुक गई मैं यहाँ पे, एक बार कपड़ा देख लेती हूँ। शॉर्ट्स हाफ पैंट भी काफी है कि मैंने बोला को डाम। गाइस देखो देखते ही पसंद आ गया, ये वाला कपड़ा मैंने ले लिया और अच्छा दाम पे मुझे ये वाला कपड़ा भी मिला। तो देखो ना ये नानू के लिए लेने से कैसा होगा जॉर्ज, ये नानू क्या ही करेगा बताओ। ये ना भरा होने का और ये तो कहीं और से भी इस साइज का उनसे वो अच्छा लगेगा, इतना भरा हो जाएगा 7-8 इयर्स हो जाएगा। यार उसको मैंने जबरदस्ती बोला, क्या बोला मैंने, कपड़ा देखा ना तो मैंने बोला कि नहीं लेना हो जाए मैं जाके ले लेते, आधा रास्ता तक जाके हाईवे में फिर से रिटर्न जबरदस्ती करवा के अभी ले ही लिया। मतलब मुझे क्या पता जिस चीज में हाथ रखूं वो चीज मेरा हो जाए। ए गाइस देखो अभी एलिस नानू के लिए कुर्ता देख रहे हैं, क्योंकि मैं कल से सोच रही थी कि नानू को लेके जाऊंगी मार्केट में और कपड़ा कुर्ता सिलवाने दूंगी, लेकिन यहाँ पे रेडीमेड मिल रहा है तो उसको सिलवाने में इतना टाइम क्यों लगाते। ये तो नानू को हो जाएगा, नहीं नहीं ये भरा होगा शायद, थोड़ा बड़ा ही तो चाहिए बच्चे के लिए, थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करके पहन लेगा। क्या ये पिंक कलर का दिखाओ तो कलर देखते जी, ये कलर ही मजे, ये वाला कलर ही अच्छा, ये कलर मैच्योर लोगों के लिए बच्चा के लिए ये अच्छा नहीं लगेगा। किस्मत खराब होने वाला है क्योंकि नहीं ये छोटा है बोल रहा है, ये वाला जो है ना 4 साल का बच्चा पहन सकेगा तो नानू के लिए तो बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन पता है पहले मेरा मम्मी क्या करती थी हमारे लिए ना, अगर मैं 2 साल की थी ना तो मुझे 6 साल का कपड़ा खरीद के देखी पता है, क्योंकि 6 साल चलने के लिए। अरे पहले क्या होता था पता है तुमको, तो याद नहीं है पता है, वो पप्पा खरीद के लाता था वो कपड़ा वाला पीस येलो कलर का, प्रिंस का भी येलो, पप्पा भी येलो, मेरा भी येलो पता है, और मार्केट में बाइक में बैठ के जाते थे हम तीनों एक साथ। ठीक है ये वाला कलर अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने नहीं बोला और दूसरा कलर देखा। मैं मतलब गाइस मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं ना मुझे कपड़ा खरीदने का शौक नहीं है, लेकिन जब भी कपड़ों का दुकान जाती हूं एक कपड़ा अगर आंखों में लग गया ना तो वो कपड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए ऐसा होगा। ठीक है मतलब अमिया जा मारो हो जाए जा बोला ये बोझा, ठीक है ओके ए तो दीजिए पैसा तुम्हारे को रिटर्न को। फिर मैं घर पहुंच चुकी हूं, नानू के लिए गिफ्ट है नानू, ले 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 मैं कुर्ती। मैं जॉर्ज को बोल रही थी नानू को थोड़ा सा टाइट होगा ना, जबरदस्ती किया कि टाइट नहीं होगा बोल के ये ले लिया, अभी तो लग रहा है छोटा होगा। শর্ট লং শর্ট ধুতি ডাঙৰ আছে বোলে
Oh, yeah.